पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार तरीके से प्रदर्शन, सुभाष चौराहे पर किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप है। तो राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है कि जो भी हो रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है। सुभाष चौराहे पर ये प्रदर्शन किया, सुभाष चौराहे की ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को लेकर भी कहा कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार का रवैया है वो उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसको लेकर के साफ तौर पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, और विपक्ष इसी को लेकर के मुद्दा भी बना रहा है। सैयद आकिब रजा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सैयद, राजस्थान के सियासी संकट तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और अब प्रयागराज में भी वो तस्वीर नजर आ रही है, क्यों सैयद? बिल्कुल आलोक, बता दें कि आज प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और सभी कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि जिस तरीके से राजस्थान में उठापटक चल रही है वो एक सोची समझी साजिश है। साथ ही साथ उन्होंने वहां के राज्यपाल कलराज मिश्रा पर भी आरोप लगाए हैं, तो कई अपने आरोपों को लेकर के। और एक तरफ जहां पर अजय कुमार लल्लू गिरफ्तारी हुई है, उन सब का इनके अंदर एक आक्रोश था, और जिसके बाद आज यहां सुभाष चौराहे पर इन लोग ने यहां प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस बल आती है और इनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैयद हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया और बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया।